Hey, Dr. Bionics. Hey, कौन बोला? ना बोले, ना हो तालाब। ओ, कैसे हो? सही नहीं हूँ, इंसान मुझे गंदा कर रहा है। ओ, दुख की बात है। वो हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ओ, इससे याद आया आज का टॉपिक, इकोसिस्टम। तो आओ, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। Zoom in! इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने नेचुरल हैबिटेट में अपने एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग तत्वों के साथ रहते हैं। तो इस लिविंग और नॉन लिविंग तत्वों के नेटवर्क को, जो किसी भी जगह पर हो सकती है, उसे कहा जाता है इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम एक तालाब हो सकता है, घर भी हो सकता है, और ये माना जाता है कि अर्थ भी एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम, इसके दो बड़े तत्व होते हैं, बायोटिक और दूसरा एबायोटिक तत्व। एबायोटिक तत्व सिस्टम की नॉन लिविंग चीजों को कहा जाता है, जैसे कि हवा, पानी, सूरज की रोशनी, न्यूट्रिएंट्स और टेम्परेचर। बायोटिक तत्व सिस्टम में रहने वाली लिविंग चीजों को कहा जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, फंगाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और आप। इकोसिस्टम किसी भी साइज का हो सकता है, आपके गमले के नीचे की जगह, इस पत्थर के नीचे की, एक तालाब, पानी का गड्ढा, ये पूरा समंदर, आपका शहर भी हो सकता है या आपका देश भी। आइए अब इस पत्थर के नीचे की जगह को देखते हैं। इस इकोसिस्टम में बायोटिक तत्व मिलेंगे, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, और एबायोटिक तत्व मिलेंगे, जैसे सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, हवा एटसेट्रा। आइए अब बात करते हैं बहुत ही खास जानकारी की। इकोसिस्टम में रहने वाला हर ऑर्गेनिज्म एक रोल या एक जगह रखता है। फॉर एग्जाम्पल, जंगल में रहने वाली हिरण एक शिकार है, शेर, चीते, भेड़िए और बाकी जानवर इन्हें खाया करते हैं। अब सोचो, अगर एक हिरण शेर, चीतों और भेड़ियों को खाने लगे तो हमारे इकोसिस्टम के लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। याद रखने वाली बात यह है कि कोई भी दो ऑर्गेनिज्म का लंबे वक्त तक सेम रोल नहीं हो सकता। कुछ वक्त बाद एक को जाना पड़ेगा या मिट जाना पड़ेगा। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता था कि आप भी एक इकोसिस्टम है? जी हाँ, आपके अंदर रहने वाले हजारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए आप एक इकोसिस्टम हैं। हमारा इकोसिस्टम बहुत ही खास है। अगर हम अपने इकोसिस्टम को इनकी तरह गंदा करते रहे तो हम बहुत जल्द गायब हो जाएंगे और ये धरती कभी भी रहने लायक नहीं रहेगी। तो इसी के साथ वक्त हो गया है जूमिंग आउट का। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और फन फैक्ट्स के साथ।